जितना का महत्वपूर्ण सब लोग थे इस आंदोलन में, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लंगर की व्यवस्था थी, क्योंकि अगर लंगर यहाँ नहीं होते तो मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा समस्या आती। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस बार इस आंदोलन में जो हमारी लंगर प्रथा है, जो गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई थी, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि इतना पहले सोचा गया ये कंसेप्ट जो है, ये हमेशा काम आएगा। और जब भी कभी संघर्ष की बात आएगी देश के लिए, समाज के लिए, तो ये लंगरों की व्यवस्था जो है ये हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। इस आंदोलन के माध्यम से ये साबित हुआ है। ये लंगर 26 नवंबर जब से धरना स्टार्ट हुआ था, तब से ये निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से लंगर निरंतर चल रहा है। और हमारा पहले तो लंगर करनाल से बन के आता था, मिस्से प्रसादे, सरसों का साग, मक्खन और साथ लस्सी, और रात को दूध जिसमें देसी घी और शहद डाल के मतलब लोगों को पिलाया जाता था। और निरंतर एक साल से ऊपर ही हो गया, मतलब नौ आज 10 तारीख है और 10 तक निरंतर लंगर चलता रहा। नाम क्या आपका? गुरमीत कौर। कहाँ से आए? पंजाब से, पटियाले को। मैं तो हरियाणा दसनी, हरियाणा से। कहाँ से? जींद जिले में। जींद जिले से। हाँ। ये आंदोलन में आप लोग शामिल थे, कार सेवा कर रहे थे यहाँ? हाँ जी। इसका आपको अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तो अब कैसा लग रहा है इसको? हूँ भी बहुत बढ़िया लगता है, हूँ जी करता भी इतने रहिए जाइए ना, बहुत साड़ा जी लगा। प्रसादे मंगाते, सब्जी कटते, अपना सोहना काम करते, रैस सोहनी सानू रहन बहन ले, बहुत ज़्यादा बाबा जी करते ने प्यार। हाँ जी। रजनी। हाँ जी। आप इस लंगर सेवा में शुरू कब से थे? हम स्टार्टिंग से थे, जैसे ये 26 तारीख को आए ना, 28 को लंगर स्टार्ट हो गया था, तो हम 30 तारीख से ही यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं। तो आप लोगों का रूटीन क्या होता था? रूटीन होता था सुबह आठ बजे नौ बजे घर का काम ख़त्म करके पूरा दिन इनके साथ काम करो, बातें करो, गल्ला करो सब। और जैसे भी मोर्चा चलता था, जैसे भी वो थे प्रदर्शन होता था, तो उनके साथ भी जाते थे। लंगर के मामले में हमने पंजाब से बहुत कुछ सीखा है। जब स्टार्टिंग में हम 25 तारीख को 26 तारीख को यहाँ पे आए थे, 26 तारीख को क्या 27 तारीख को यहाँ पे पहुँचे थे, उससे पहले दो दिन तक हमें जो 25 और 26 को अपनी गाड़ियों से राशन वितरण कर रहे थे। उसके बाद जब यहाँ पे हमारा मोर्चा लगा, तो हमने लगा कि यहाँ पे हमने भी अपना पक्का लंगर लगा देना चाहिए। हमने 27 तारीख को यहाँ पे लंगर डाल दिया था। और शुरू में जो लंगर व्यवस्था कैसे चलती है वो हमने सरदारों से सीखा है। सरदारों ने हमसे बहुत कुछ सीखा, सिखों ने हमसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमने भी सरदारों से बहुत कुछ सीखा है। सुबह मैं तो घर भी और यहाँ भी 2:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद उठने के बाद स्नान करना, स्नान करके 1-1.5 घंटा अपना पाठ पूजा करना, उसके बाद अपना लंगर में लग जाते हैं तैयारी करने। तो जैसे 2-4 और हेल्पर रहते हैं, साथ में हेल्प करवाते हैं। तो मैं नहीं हुआ तो फिर मलकीत सिंह होते थे, इस टाइम भी उन्होंने खाना बनाना या फिर मुझे बनाना। तो आप साथ में जैसे अब ये सब्जी काट रहे हैं, किसी ने प्याज काट दिया, किसी ने अपना अदरक काट दिया, सिर्फ सभी सहयोग करते हैं। तो इसलिए चलो दिक्कत कोई ऐसी नहीं आई। तो यहाँ भी वैसे काफ़ी सहयोग जो मिला, कि जो इतने किसान दूसरे थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम प्यार से रहते थे। रात दिन 24 घंटे लंगर यहाँ की अवस्था होती है, लंगर की, पानी की, साबुन की, तेल की और दवाई की, हर अवस्था 24 घंटे यहाँ पे इंसान को सब चीज़ें फ्री मिलती हैं। पहले ही गुरुद्वारों में लंगर था, इस बार आंदोलन में आया तो आंदोलन भी एक पवित्र आंदोलन के रूप में हुआ और चला, और इसमें सारे लोग एकजुट हुए, एक साथ बैठे, एक साथ खाए, एक साथ भोजन किया और एक साथ लड़ाई लड़ी। तो ये लंगरों ने सबको एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुबह से लंगर, पहले तो 3.5 महीने से लंगर हमारा करनाल से बन के आता था, लेकिन उसके बाद जैसे रश कम हो गया गर्मी की वजह से, तो फिर लंगर हम यहीं बनाना शुरू कर दिया। चावल, दाल, कड़ी चावल, मतलब चना चावल, और सोच के यही आए थे जीत के जाएंगे, क्योंकि एक किसान की लड़ाई थी एक, और किसान कभी हारता नहीं। और सरकार ने तो 26 नवंबर से जब से धरना स्टार्ट हुआ है, इस धरने को मतलब कि तोड़ने की, मरोड़ने की, ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी मतलब कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि हमेशा जीत सच्चाई की होती है। यहाँ से हम भाईचारा लेके जा रहे हैं, किसान को जागृति लेके जा रहे हैं, यहाँ से हम उस पूर्व शासक को झुका के जा रहे हैं, यहाँ से हम अपने केस वापसी करवा के जा रहे हैं, यहाँ से जिस किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोला गया, उनको आज शहीद का दर्जा दिलवा के जा रहे हैं।
एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी बनवा कर जा रहे हैं, जिसकी जल्दी ही रिपोर्ट अगर ये सरकार लागू नहीं करेगी तो हमें आने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। उसको चेतावनी देते हुए जा रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे आंदोलन को। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? एक साल में। एक साल से यहीं पे? हाँ, ना आंदे जाते रहे, आते जाते रहे, कुछ दिन घर भी जाते हैं। तो यहाँ जो लंगर कैसे चलता था आप लोगों के? लंगर ऐसे चलता था, मशीन में आटा था, दो थैले सवेरे, दो थैले शाम, दिन में पकाना, दिन में भी चलता सी, ते आटा गुन के पका लेंदे ऐसे पा के। खुशी तो हो रही है कि ये आंदोलन खत्म हो गया है, जो इतने 750 शहीद हुए हैं हमारे किसान, उनके लिए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन खुशी ये हो रही है कि जो बिल थी वो रद्द हो गए, और दुख ये हो रहा है जो इतने सारे यहाँ जो बहन माँ पिता सारी जो रिश्ते नाते यहाँ बन गए थे ना, वो दूर हो रहे हैं, तो अभी दुख हो रहा है थोड़ा। लंगर जिसका नाम हो गया वो कभी टूट नहीं सकता, बाबा नानक ने एक बात बोली थी, जहाँ लंगर लग गया वो चलता रहेगा। हमने जब हमारा संगठन जो है 400-500 साथी, हम एक्टिव साथी हैं, उन्होंने लंगर को शुरू किया था अपने पर्सनल खर्चे पे, उसके बाद ये लंगर ऐसे चला, गांव से ऐसी रूटीन बनी, गांव के लोगों ने ऐसी रूटीन बनाई कि डेली की डेली हमारे यहाँ पे सब्जी पहुँचती रही, आटा पहुँचता रहा, दूध लस्सी घी सुबह सुबह हमारे पास आता रहा, और सूखा सामान वो भी आता रहा, जो पैसे की हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लेबर भी रख रखी थी, हलवाई थे हमारे पास, उनके पैसे की व्यवस्था हमें खुद अचरज मानते हैं कि उनके पैसे की व्यवस्था कैसे हो जाती थी। तो इसका अनुभव हमारा लंगर के मामले में बहुत ही सुखद अनुभव है। याद यही लेके जाने कि जो हमें प्रेम प्यार एक दूसरे से मिला है, ये कभी शायद ऐसे नहीं मिलता जैसे बिना आंदोलन के। तो मतलब जो अपने हमारा भाईचारा इतना बड़ा है, हर किसी से, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सबसे बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा मतलब रहे हम एक दूसरे प्रेम प्यार से रहे। तो यही याद रहेगा कि ये कुछ हमें सीखने को मिला, प्रेम प्यार सीखने को मिला, ये यादें रहेंगी। अब जो कोई जयपुर से है, कोई राजस्थान से, कोई तमिलनाडु से, कोई कहीं से भी है, आपस में संपर्क हुआ, वैसे हम कहाँ मिलते, किसी से नहीं मिलते, अब एक दूसरे से फ़ोन नंबर ले रखे हैं, चलो फ़ोन पे बात किया करेंगे, याद ताजी हो जा करेंगे, मिला करेंगे। एक आदमी आया बाहर से लंगर छका, कह रहा कितने पैसे दूँ, हमने कहा एक पैसा नहीं चाहिए, उसने 5 लाख रुपया का दे दिया, सारे लंगरों में 50,000 रुपया हमने बांट दिया, सारे लंगरों में भी, सारे लंगरों में हिस्सा पड़ जाएगा। हमने कहा रसीद दें, नाम बता, तेरी अरदास करें, ना तो उसने नाम बताया, ना उसने अपना एड्रेस बताया, ना रसीद कटाई, गुप्तता करके चला गया, बाहर से आया था। देखो इस आंदोलन में जो सहयोग योगदान रहा है ना, युवाओं का, बुज़ुर्गों का, महिलाओं का, सबका बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। वो अलग बात है कि अलग अलग मोर्चों पर थे, अगर लंगर की सेवा करने वाले हैं तो उनका अपनी जगह महत्वपूर्ण था, आंदोलन की स्थिति में जो था तो आंदोलन में जो युवा या बुज़ुर्ग थे उनका था, जो ट्रॉलियों पर बुज़ुर्ग हमारे डटकर बैठे रहे तो उनका योगदान अपनी अपनी जगह था, जो महिलाएँ थीं जो लंगर तैयार करती थीं उनका अपना योगदान था। यानी ये एक कंप्लीट कंसेप्ट था इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और ये स्वाभाविक रूप से बना था, इसमें किसी ने दिमाग नहीं लगाया, ये स्वाभाविक रूप से बना हुआ कंसेप्ट था, और इसी की वजह से ये आंदोलन भी मुकाम तक पहुंचा है हम समझते हैं। और उन सारे सेवादारों को भी, सब सहयोगियों को, माताओं को, बहनों को हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए लंगर व्यवस्था में हमारे साथ खड़े रहे। संयुक्त मोर्चे ने ये आंदोलन ख़त्म नहीं किया, मुलतवी किया है, सस्पेंड किया है, हमारी जो MSP की लड़ाई है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। अभी सरकार ने जो रिटर्न में लिख के दिया है वो अभी एक दो महीने में पता लग जाएगा उस पर सरकार क्या कर रही है, नहीं तो अगर दोबारा भी करना पड़ेगा तो हम ये लड़ाई फिर भी लड़ेंगे। अब जब घर जा रहे हो एक साल बाद, हाँ जी, तो कैसा लग रहा, जब आए थे तो लड़ते झगड़ते आए थे सरकार से, अब जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? आए भी खुश था, झगड़ते नहीं आए, आए भी खुश था, असी सानू ओट उस गुरु दी, गुरु नानक दी, गुरु नानक दी ओट, ओदी ओट लै के आए सर, अरदासां करा के आए सर अपने गुरु दियाँ, तो सानू औखा कौन लगा, परिवार साथ आता था। हाँ जी, ये मेरी मम्मी है, मम्मी साथ आती थी, भैया ड्यूटी जाते हैं, जिस दिन छुट्टी होती थी वो छुट्टी वाले दिन आते थे, सब आते थे। आंदोलन का अनुभव तो मतलब आप, मैं ये कह सकता हूँ कि अपार सफलता, किसान की अपार सफलता, उसके पॉइंट है, एक तो पूरे किसान, पूरे देश के किसान को जागृति, पूरे देश के किसान में जागृति आई है, अपने अधिकारों के लड़ना सीखा है। दूसरी बात, हमसे वो लोग भी सीखेंगे जो मुर्दा हैं,
मुर्दा मुर्दा कौम किसको बोलते हैं जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, आज उनको भी लगाया कि आप भी जीत सकते हो, अगर उठोगे तो जीतोगे, लड़ो संघर्ष करो लड़ोगे तो जीतोगे। हम काशीपुर उत्तराखंड कनकपुर से आए हैं और अब हम हमारी मांगे पूरी हो गई हैं और हमारी इज्जत हमारी झोली में पड़ गई है, जो हमारी डिमांड थी हमारे बिल माफ हो गए हैं, फसल अच्छे रेट में बिक रही है, पैसा खातों में आ गया है और हम अब बहुत खुश हैं किसान, हमारा एक एक किलो खून बढ़ गया है, 5-5 साल उम्र भी और बढ़ गई है, टेंशन सारी दूर हो गई है, कोई दुख तकलीफ नहीं है और अब हम अपना अखाड़ा खेड़ने आए हैं, हम गाड़ियाँ लेके आए हैं, आज कुछ खेड़ेंगे कुछ कल खेड़ेंगे, 2-4 दिन में अपना ये बारदाना सारा अपने कार सेवा पे ले जाएंगे। जून जुलाई की बात करें जब पूरी गर्मी थी, ये टेंट पंडाल हमारा 3 बारी फट गया था, टूट गया था बिल्कुल, और लंगर की इसमें किसी की कंडीशन नहीं थी, भाई यहाँ किसान ही खाएगा या लेबर, गर्मियों में जैसे 100 बंदा लंगर खा रहा है तो 95-95 लोग यहाँ के लोकल खा रहे थे, हमारे 5 लोग किसान ही खा रहे थे, हमने किसी को रोका नहीं, क्योंकि लंगर में ऐसा नहीं है कोई मतलब भेदभाव नहीं होता, मतलब इसको देना है इसको नहीं देना, सबको दिया है, मतलब गरीब को भी दिया है, मजदूर को भी दिया है, किसान को दिया है, यहाँ लोकल जो और डेली लेबर के या फैक्ट्री ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सभी सुबह लंगर खा के पैक करके लेके जाते थे, रात को भी खा के और पैक करके लिए, किसी को मना नहीं किया, क्योंकि हमने एक पॉजिटिविटी का मैसेज देना था कि लोगों को पता लगे कि लंगर की डेफिनेशन और किसान मतलब किसान का दिल कितना बड़ा है, मतलब वो ये कहते हैं ना अन्नदाता, वो इस आंदोलन में किसान ने दिखा दिया वह वाकई में अन्नदाता है, किसी को मना नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चे कमेटी में 40 सदस्य कमेटी में शामिल रहा हूँ, उस नाते अंदर के अनुभव और बाहर के अनुभव, सरकार कहाँ पे थी और सरकार कहाँ पे आई, हमने सरकार को वहाँ से जहाँ पर वो बोलते थे कि हमारी बात सुनना पसंद नहीं करते थे वहाँ से लेकर के हमने उसको घुटनों के बल तक चलते हुए देखा है, वो हमारी एक एकता की ताकत थी, इस किसान की ताकत थी, इस मजदूर की ताकत थी। लंगर सेवा में हम 2 बजे रात के उठ जाते थे, उठने के बाद स्नान करा और चाय पकौड़े जलेबियाँ वो चलती रहती थी और पानी की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा, हमारे ये टंक खड़े हैं इधर भर के अभी भी खड़े करे हैं, पानी तो ख़त्म होने नहीं देते थे, बोतलों वाला भी और दूसरा भी, और सर्दी में ठंड में हम गर्म पानी से स्नान करवाते थे, जो भी बुजुर्ग जो भी स्नान ठंडे पानी से बहन जी बीबियाँ करती थी ठंडे से नहीं कर सकती थी, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था का हमने सारा इंतजाम कर रखा था, खाना बनाने वाली हमारी मशीन भी है दूसरी भी है, खाने की कोई भी किसी किस्म की घाट नहीं आने दी। हमें स्टार्टिंग में जब हम आए हमें ये नहीं पता था सामान क्या लेके जाना है, भैया हम ऐसा सामान ज़्यादा लिया था जो जरूर करने, अब हमें ये पता कि सबसे पहले जाकर के वहाँ पे मोर्चा लगाने के लिए हमें सामान क्या चाहिएगा, हम वही सामान लेके आएंगे, बाकी सामान बाद में भी आ जाएगा, और हम 1 घंटे में आपको मैं पूरे मतलब अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ 1 घंटे में जो मोर्चा हमने 3 दिन में लगाया था 1 घंटे में इस मोर्चे को 1 घंटे में लगा देंगे। याद हम ये लेके जा रहे हैं, ये जिंदगी का नया हथियार बन गया, हमारी तो जिंदगी गई है निकल, आगे आने वाली पीढ़ी गाजी बॉर्डर का हथियार सुनेगी पढ़ेगी और लिखेगी, किताबें छप गई हैं कुछ छप रही हैं, ये इतिहास जिंदगी भर याद रहेगा, जो ये सन में इस सन में ये इतिहास बना है और इसमें इतना किसानों ने बहन भाइयों ने हमारी सब जातियों ने कष्ट उठाया है और सारी जातियों ने मिलके मदद करी है और सारी जातियों की सारी मांगे पूरी जायज मांगे पूरी हो गई हैं। अनुभव तो ये ऐसे अब जी नहीं करता वापस जाने, क्योंकि 1 साल हो गया यहीं घर था यहीं नहाना यही सारा कुछ, तो आप मजबूरी में जाना पड़ता है, तो परिवार की तरह रहे यहाँ के लोगों लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट की, तो ये जीत जो किसान की हुई है जो सच्चाई की जीत हुई है। यहाँ पे ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है ये कुछ है नहीं, लेकिन लंगर वाइज या पंगत वाइज सबको खाना मिलता था, यहाँ पे बराबरी थी, यहाँ पे कोई वो नहीं था ऊंच नीच नहीं थी। किसान ने वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, शायद ये स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी, एक पूरे इसके विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीतों में से एक जीत किसान की ये है। बहुत तकड़ी जीत है जी, छोटी मोटी जीत नहीं, बहुत तकड़ी जीत है,
और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा कोई सोचेगा नहीं, जल्दी से कोई कानून नहीं बनाएगा।